बेटे ने अपनी माँ से कहा, माँ आज मेरे पास सब कुछ है, आज मैं तेरा कर्ज उतारना चाहता हूँ। बोल तुझे क्या चाहिए? सोना चांदी गाड़ी बंगला। माँ कहती है तू मेरा कर्जा नहीं उतार सकता। बेटा कहता है तू बोलकर तो देख। माँ ने कहा चल ठीक है, आज तू मेरे बेड पर सो जा और मैं तेरे बेड पर सो जाती हूँ। बेटा सोता है माँ के बेड पर, माँ भी बेटे के बेड पर सो जाती है। कुछ समय बाद माँ उठती है और कहती है बेटा पानी लेकर आ। बेटा पानी लेकर आता है, माँ आधा गिलास पानी पीती है और आधा उसके बेड पर डाल देती है। बिस्तर गीले हो जाते हैं। बेटा सोचता है अरे यह क्या किया, और सो जाता है। कुछ देर बाद में फिर से कहती है कि बेटा एक गिलास पानी लेकर आ। बेटा पानी लेकर आता है, माँ आधा गिलास पानी पीती है और आधा फिर से बेड पर गिरा देती है। बेटा इस बार थोड़ा नाराज हो जाता है। उसके कुछ देर बाद माँ फिर उठती है और बेटे से कहती है बेटा एक गिलास पानी लेकर आ। बेटा पानी लेकर आता है, माँ फिर से वैसा करती है और इस बार बेटा गुस्से से कहता है कि भाड़ में गया तुम्हारा कर्ज, मुझे नहीं उतारना तुम्हारा कर्ज। माँ कहती है बस इतना ही, इतने सालों तक तेरे बचपन में तेरा पेशाब, तेरा मल मूत्र सब साफ किया, पेशाब की हुई गीली जगह में सोई और तुझे सूखे में सुलाया, तू मेरा कर्ज कभी नहीं उतार पाएगा। इतना सुनने के बाद उस बेटे की आंखों में आंसू थे और वह माँ के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। दोस्तों इस कहानी से आपको क्या समझ